हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेम की जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। 2023 के एग्जाम को कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ऑलरेडी मैंने ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, फुल प्लेलिस्ट का लिंक गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टी है तो आप वहाँ से एक बारी आप वीडियो को गो थ्रू कर लें एंड आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर गाइज आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया ये 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपका सेक्शन ए में सिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन बी में फोर क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में भी आपके क्या आने वाले हैं, फोर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जो सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन हैं वो आपके फाइव मार्क्स के हैं, टोटल सिक्स आपको गिवन है, आपको फोर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया है वो आया है, आपको क्या करना है, इनमें से चार अटैम्प्ट करने हैं। पहला है वेरिफिकेशन वर्सेज वाउचिंग। सबसे पहले वेरिफिकेशन और वाउचिंग का आपको डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में, फाइव मार्क्स के लिए गाइज ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटरियल ऑडिट। अब सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है कंडक्ट ऑफ ई वोटिंग। कंडक्ट ऑफ ई वोटिंग कैसे होता है, क्यों होता है और किन किन रीजन से होता है, ये चीज़ें बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑडिट प्रोग्राम, ड्रॉ एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। देन गाइस, फिफ्थ है आपका राइट अ नोट ऑन ऑडिट नोटबुक, ये आपको बताना है ऑडिट नोटबुक क्या होता है। नेक्स्ट गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी। इसमें आपको बताना है कि जो प्रॉक्सी है वो क्या होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, कैसे जो प्रॉक्सी है उसे हायर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके हैं सेक्शन ए, जिसमें आपको 20 मार्क्स का ये सेक्शन है जिसमें आपको फोर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जिसमें आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चार क्वेश्चन हैं, आपको दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मतलब ये सेक्शन बी आपका क्या होने वाला है, 30 मार्क्स का आने वाला है, और सेम सेक्शन सी भी आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड कमेंट। इस क्वेश्चन में गाइस आपको ऑडिटिंग बताना है क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, जो प्राइमरी एंड अदर या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बताने हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इस क्वेश्चन में बता सकते हो, ठीक है। फाइव टू सिक्स मार्क्स में, फाइव टू सिक्स पेजेस में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक, सजेस्ट अ सुटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स कंटेंट, ड्रॉ ए क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका गाइज आ जाता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल वाउचिंग कैश ट्रांजैक्शन। तो गाइज ये था आपका सेक्शन बी 20 मार्क्स का। सेम आपका सेक्शन सी होता है जो वो भी 20 मार्क्स का होता है, इसमें भी आपके फोर क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सिट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो गाइज कंपनी सेक्रेटरी का जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका आया, ठीक है। इसमें आपको सिट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज़ बतानी है किसकी, कंपनी सेक्रेटरी की। सेवन्थ है व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, डिस्कस ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कन्वीनिंग दिस मीटिंग, व्हाट आर हिज ड्यूटीज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। एट्थ क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ माइन्यूट्स एज द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, राइट आउट द मन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। मन्यूट्स बताना क्या होता है और एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको मन्यूट्स लिखने हैं, ठीक है, ये भी आपका फाइव टू सिक्स पेजेस में होना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आता है आपका पेपर का, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन दैट कैन बी पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ कंपनी एंड द सर्कमस्टांसेज नेसेसिटिंग दैम। इसमें आपको टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बताना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन जो होते हैं वो बताना है जो मीटिंग में पास होते हैं, और सर्कमस्टांसेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका 2023 का ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल का प्रैक्टिसेस का पेपर। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई डिफिकल्टी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडिटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जिसमें आपको काफ़ी चैप्टर्स एंड काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो गाइज मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड ऑल्सो चेक द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ।